शेयर बाजार का इस टाइम का हाल देखकर मोस्टली लोग परेशान हो रहे हैं। जिन लोगों ने 2015 से 2017 के बीच मार्केट में इन्वेस्ट किया है, उनके तो पोर्टफोलियो की वैल्यू ही आधी से कम हो गई होगी। कोई नहीं दोस्तों, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। इस टाइम बहुत से एक्सपर्ट का मानना है कि इन्वेस्ट के लिहाज से 2019 गोल्डन ईयर था। ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो फिलहाल अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। ये स्टॉक्स अगले कुछ साल में मल्टी बैगर साबित हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। इसलिए पहले सबसे काम की बात, अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो ज़ीरोधा या अपस्टॉक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। दोस्तों, शेयर मार्केट के गुरु जी वॉरेन बफे कहते हैं, जब बाकी लोग लालच दिखाएं तब आप अलर्ट रहें, और जब बाकी लोग अलर्ट रहें तो आप लालची हो सकते हैं। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा टाइम लालची होने का हो सकता है। कुल मिलाकर देखें तो मार्केट वैल्यूएशन अभी सस्ता नहीं है, लेकिन शेयर अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर नजर आ रहे हैं। अच्छा, चलिए नए साल पर कुछ काम की बातें करते हैं। आपको पता है, इस साल शेयर बाजार में कई नए रिकॉर्ड्स बने। जैसे 2019 में पहली बार सेंसेक्स ने 40,000 और निफ्टी ने 12,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को पार कर लिया। साल 2019 खत्म हो चुका है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन शेयरों के बारे में जिन्होंने 2019 में छप्पर फाड़ रिटर्न दिया है या फिर इन्वेस्टर्स को बर्बाद किया। पहले जानते हैं शानदार रिटर्न देने वाले शेयरों के बारे में। तो सबसे पहले मणिपुरम फाइनेंस। जब घर में पड़ा हो सोना तो फिर काहे करोना, आप सही समझ रहे हैं। ये वही कंपनी है जिसका एडवर्टाइजिंग अक्षय कुमार करते हैं। साल 2019 में मणिपुरम फाइनेंस के शेयर ने 90% से अधिक 93.6% का रिटर्न दिया है। साल 2019 के शुरू होने से पहले शेयर का प्राइस 88 रुपए पर था, जो दिसंबर 2019 में 175 रुपए के पार पहुंच गया। अभी कंपनी का मार्केट कैप 14,884.09 करोड़ रुपए है। केरल की ये NBFC कंपनी गोल्ड लोन का कारोबार करती है। हालांकि कंपनी ने अब गोल्ड के साथ ऑटो और हाउसिंग लोन सेक्टर में भी कदम बढ़ा दिया है, लेकिन कंपनी का 70% कारोबार गोल्ड लोन से चलता है। NBFC सेक्टर में मणिपुरम गोल्ड का बड़ा नाम है। गोल्ड लोन से कारोबार का 70% हिस्सा है। देश भर में 3,300 से ज्यादा ब्रांच का नेटवर्क फैला हुआ है। मणिपुरम फाइनेंस के पास इस समय 64 टन सोना है, और इस 64 टन सोने की कीमत 22,500 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। ज्यादा लोन शॉर्ट टाइम के हैं, इसलिए एसेट लायबिलिटी मिसमैच यानी ALM की कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी अब माइक्रो फाइनेंस व्हीकल SME हाउसिंग फाइनेंस में एंट्री कर रही है। मणिपुरम फाइनेंस ने साल 2015 में 271 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था, जो कि अगले ही साल बढ़कर 353 करोड़ रुपए का हो गया। साल 2017 में कंपनी के मुनाफे में दुगने से भी ज्यादा का इजाफा हुआ और कंपनी को प्रॉफिट 756 करोड़ रुपए का हुआ। 2018 में इस मुनाफे में थोड़ी बहुत गिरावट आई और ये 671 करोड़ का हुआ। 2019 में 922 करोड़ का रहा है। अगले दो सालों में ये मुनाफा 1500 करोड़ रुपए का अनुमान है। सेकंड नंबर पर है PI इंडस्ट्रीज। साल 2019 में केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी PI इंडस्ट्रीज के शेयर ने 83.3% तक का रिटर्न दिया है। दिसंबर 2019 में PI इंडस्ट्रीज का शेयर 1529.95 रुपए के प्राइस पर पहुंच गया। ये 52 हफ्ते का हाई लेवल है। PI इंडस्ट्रीज एग्रोकेमिकल का बिजनेस करती है। फसल की सुरक्षा और खरपतवार की रोकथाम के लिए इस कंपनी के कई केमिकल्स की बाजार में अच्छी खासी मांग रहती है। इनमें से एक है नॉमिनी गोल्ड। नॉमिनी गोल्ड देश के लगभग हर किसान के लिए एक जाना पहचाना ब्रांड है। ये कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही है और इसका स्टॉक शानदार रिटर्न दे रहा है। रिटर्न की बात करें तो अगर 10 साल पहले आपने इसमें 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो आज 1.064 करोड़ रुपए का रिटर्न मिलता। इस तरह आप PI इंडस्ट्रीज की ग्रोथ का अंदाजा लगा सकते हैं। पिछले 10 सालों में PI इंडस्ट्रीज के शानदार रिटर्न पर रोशनी डाले तो इसके पीछे कंपनी की शानदार रणनीति रही है। कंपनी ने पिछले 10 सालों में जापान, चीन और जर्मनी जैसे देशों के साथ बड़े करार किए हैं।
एक्सपोर्ट इनकम काफी बढ़ गई है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 20,372.31 करोड़ रुपए है। थर्ड नंबर पर है प्रेस्टीज ग्रुप। साल 2019 में प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी प्रेस्टीज ग्रुप के शेयर ने करीब 75% तक की बढ़त दर्ज की है। मतलब ये कि इन्वेस्टर्स को 75% तक का मुनाफा हुआ है। इस साल शेयर प्राइस 230 रुपए से 360 रुपए के स्तर तक पहुंच गया है। वर्तमान में कंपनी का मार्केट कैप 13,106.25 करोड़ रुपए है। फोर्थ नंबर पर है गुजरात गैस लिमिटेड। गुजरात गैस के शेयर ने साल 2019 में करीब 70% तक का रिटर्न दिया है। साल 2019 के शुरू होने से पहले शेयर प्राइस 135 रुपए के स्तर पर था, जो अब 230 रुपए पर पहुंच गया है। गुजरात गैस का मार्केट कैप 15,574.83 करोड़ रुपए है। फिफ्थ नंबर पर है बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी मिल्स कंपनी के शेयर ने 68% तक का रिटर्न दिया है। इसका शेयर प्राइस साल 2019 के शुरू होने से पहले 104 रुपए के स्तर पर था, जो अब 173 रुपए के प्राइस तक पहुंच गया है। इसका मार्केट कैप 3,867.50 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, अभी तक हमने बात की सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो अब लार्ज कैप भी देख लेते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बजाज फाइनेंस में 2019 में 55% तक की तेजी रही। कंपनी का शेयर 2,641 रुपए के प्राइस से बढ़कर 12 दिसंबर 2019 को 4,050 रुपए से ज्यादा पर पहुंच गया। वहीं टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल 2019 में लार्ज कैप सेगमेंट में दूसरी टॉप गेनर रही है। 2019 में एयरटेल ने 53% रिटर्न दिया है। शेयर का प्राइस 287 रुपए से बढ़कर 440 रुपए तक पहुंच गया है, जबकि ICICI बैंक ने 2019 में 50% रिटर्न दिया है। शेयर का प्राइस 360 रुपए से बढ़कर 535 रुपए के प्राइस से अधिक पहुंच गया। वहीं तेजी वाले शेयरों में रिलायंस इंडस्ट्रीज की सबसे अधिक चर्चा रही। एनुअल मीटिंग के अलावा अन्य वजहों से रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर ने 52 हफ्ते का हाई लेवल टच किया, तो वहीं 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी हासिल किया। दोस्तों, अभी तक अच्छे रिटर्न देने वाले शेयरों की ही बात की गई है। अब कुछ उन शेयरों के बारे में भी जान लेते हैं जिन्होंने इन्वेस्टर्स का बहुत ज्यादा नुकसान किया है। साल 2019 में सबसे अधिक नेगेटिव न्यूज यस बैंक, जेट एयरवेज, इंडिया बुल्स हाउसिंग और BPCL के शेयर की रही। अलग अलग वजहों से नुकसान झेल रहे यस बैंक का शेयर प्राइस 30 रुपए से भी नीचे आ गया। वहीं कर्ज से जूझ रहे जेट एयरवेज ने भी शेयर बाजार में अपना सबसे बुरा दौर देखा। फ्रॉड के आरोपों की वजह से इंडिया बुल्स हाउसिंग के शेयर धड़ाम हुए, तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL के विलय का असर भी कंपनी के शेयर पर दिखा। 2019 में ही कैफे कॉफी डे के मालिक वीजी सिद्धार्थ के पहले लापता और फिर मौत की खबर की वजह से कॉफी एंटरप्राइजेस के शेयर बहुत नीचे आ गए। इंफोसिस के मैनेजमेंट पर खुलासों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी और देश की दिग्गज IT कंपनी के शेयर में उतार चढ़ाव दिखा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर effortlessGK को जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से Zerodha या Upstox से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।